देखो, कोई भी कंपनी में अगर काम सीखना चाहते हो और काम सीख के पैसे कमाना चाहते हो, देखो काम सीखते टाइम में ना इस कंपनी में जो थंबनेल पे सैलरी लिखा हो ना उतना स्टार्टिंग रहेगा, और उसके बावजूद आपका जो सैलरी हो जाएगा आफ्टर देन आप लर्निंग करोगे, दैट मीन यू कैन अर्न अप्रोक्सीमेटली 19,000 रुपीज पर मंथ इन हैंड सैलरी। दैट मीन दिस इज अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज फॉर एवरी अनएजुकेटेड पर्सन। सो राइट नाउ मैं बोलता हूँ, इंग्लिश तो बेकार बोल रहा हूँ, बिकॉज की जो अनपढ़ कैटेगरीज के लोग हैं, अनपढ़ है, वो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके लिए सुनहरा मौका ये होगा कि वो पहले तो क्या है कि कोई भी फैक्ट्री इंडस्ट्रीज में जाते हैं तो एक लेबर के पोस्ट पे ही वो स्टेबल रह जाते हैं कि नहीं, तो लेबर के पोस्ट पे वो स्टेबल रह जाते हैं, उनको बढ़ने के चांसेस नहीं मिलते, उनको ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलता, उनको कुछ नहीं मिलता। वेल, ऐसा एक टाइम आता है कि उनको कंपनी छोड़ना पड़ जाता है कारणवश, मजबूरी बस, क्योंकि उसका अर्निंग अपॉर्चुनिटीज गेन नहीं हो रहा है, कमाई नहीं बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रहा है लेकिन कमाई नहीं बढ़ रहा। दैट मीन ऐसे कंपनी में काम करो जिसमें आपके ऊपर भी सोचा जाए कि हाँ ये बंदा का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है, मेक श्योर डेफिनेटली इसे हमें ऊपर करना चाहिए। दैट मीन दिस कंपनी इज ओनली फॉर लेबोरियस पर्सन नीडेड एंड परफेक्ट कैंडिडेट नीडेड। एंड जो परफेक्ट बंदा होगा ना, हम इस चीज़ की गारंटी देते हैं कि एक साल बाद वो 19,000-18,000 रुपये महीने कमाएगा। जी हाँ, मैं कोई गलत नहीं बोल रहा हूँ, ऑन वीडियोज में बोलता हूँ, फेंकता नहीं मैं, एक साल काम करके तो देखो, अब जाते हो कंपनी में कोई दूसरा बहका देता है, तीसरा बहका देता है, बस निकल दिया भैया, अब आपकी मर्जी, वो मेरी मर्जी नहीं है, क्योंकि आपका ये माइंड सेटअप मैं नट बोल्ट से टाइट नहीं करने वाला, ये आपको खुद टाइट करके चलना पड़ता है ना। कोई थर्ड पार्टी पर्सन बोल रहा है तो उसका ज़्यादा बात पे फोकस करते हो, अपने कैरियर को लेके आपका खुद विचार नहीं है कि हम कैरियर में क्या क्या करेंगे, और दूसरे की बात सुन के अपने कैरियर का सेटलमेंट चेंज करते हो, ये बहुत बड़ा नेगेटिविटीज थॉट होता है ना। प्रैक्टिकल ऑफ वे यहाँ पे देखो, अर्जेंट हायरिंग है, कंपनी है बैटरी फैक्ट्री है, बैटरी कंपनी है, उसी में रिक्वायरमेंट है, जॉब प्रोफाइल है मशीन ऑपरेटर एंड हेल्पर। मैंने क्या बोला कि जब आप हेल्पर ही करोगे, आप धीरे धीरे सीखोगे, लर्निंग करोगे, जस्ट मीन्स लर्निंग करोगे, तो मशीन ऑपरेटर का पोस्ट मिलेगा। मशीन ऑपरेटर में आपका जो सैलरी स्टार्ट होता है कम से कम 17,000-16,000, डिपेंड ऑन योर एक्सपीरियंस, उस मुताबिक आपका स्टार्ट होता है। लोकेशन इसका हावड़ा धूलागढ़ है। एज ए वेल इसका जो सैलरी प्रोवाइड होगा एक हेल्पर का, वो आपका होगा 380 रुपीज टेक होम प्लस ESI 60 रुपये, और 60 रुपये ESI मिलता है उसका। अगर कैलकुलेशन करके टोटल सैलरी बता दूँ तो 450 रुपये अप्रॉक्स 440 रुपीज़ है। नो वर्क नो पे का सिस्टम है, 12 घंटे की ड्यूटी है, सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक काम होगा। ध्यान से सुनिएगा, 12 घंटे की ड्यूटी है, सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक होगा। कंपनी रूम बिल्कुल फ्री में दे रही है, चीप कैंटीन है, एक टाइम खाना का 25 रुपये लगेगा, एक टाइम खाना का क्वालिटी A1 होगा। जी हाँ, खाना का क्वालिटी A1 होगा, 25 रुपये कैंटीन में खाना का लगेगा। क्वालिफिकेशन मिनिमम 10th पास होना चाहिए, बिलो 10th पास वाले इस कंपनी में नहीं चलेंगे। सो एज लिमिटेशन मिनिमम आपका है 18 एंड मैक्सिमम 35 ईयर्स, एंड डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, प्रिया मैडम का हमने कॉन्टेक्ट नंबर डाल दिया है। सैलरी आपको पता चल गया कि 13,500 अप्रॉक्स CTC बनेगा, जिसमें टेक होम जो आपका आएगा आपका तकरीबन 11,800 ऐसे ही कुछ आएगा, वो देख लेना आप अपने हिसाब से। एंड वेल मैं आपको बता दूँ 11,400 या 500 या 800 आएगा ऐसे ही। एंड वेल इसमें जब ऑपरेटर बन जाओगे देन अपॉर्चुनिटीज़ गेन करोगे, एंड वेल सैलरी डेफिनेटली मेक श्योर हाई हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कोई नई धमाकेदार अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।